गैजेटों का टाइम आ गया है दोस्तों। काफी मजेदार गैजेट हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं। जब हम गैजेटों की बात करते हैं उल्टे सीधे ऊपर नीचे हर तरह के गैजेट हमने ट्राई कर रखे। सबसे पहले ये बहुत ही वियर्ड सी चक्री सा लग रहा है, उसको देखने में गेस करने की कोशिश करो। साइड से आप देखोगे आपको लगेगा मच्छर मारने के लिए बना रखा है या फिर हवा करने के लिए, पंखा है स्मार्टफोन में वो लग जाओ, बट नहीं, ये उड़न तश्तरी है भाई। ये इस साइड पे एक एक्चुअल चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे ऑन ऑफ वाला बटन है। ऑन तो कर दिया मैंने, अब चलेगा कैसे? कोई मिल गया कि जादू इसी से आता भाई। बाहर चल के करते हैं, ट्राई करते हैं। उल्टा हो गया भाई, ये एक्चुअली एक बूमरैंग है भाई। इसको ऐसे फेंको वापस आता है, वो वापस आके मेरे को काटा। डराते हैं आप लोगों को शायद याद हो, हमने कार भी रिमोट कंट्रोल से चलाई थी, उसके बाद एक्चुअली अपने मोबाइल फोन भी हवा में उड़ाया था, उसमें भी जो सेम बियॉन्ड फोर्स के प्रिंसिपल थे इसमें भी सेम लट्टू या बेबलेट होते थे ना, उनके इवॉल्व वर्जन है। हवा में वो चीज कर लेता भाई, काफी नेक्स्ट लेवल चीज है, मजा तो आता है बट कुछ काम नहीं करता। दोस्तों आप लोगों को शायद ना पता हो बट एप्पल ने आई स्कैन बनाया भाई। ये आईफोन क्या है, सब बेकार भाई, आई स्कैन इज द फ्यूचर। गेस करने की कोशिश करोगे ये एक्चुअल है क्या। यहाँ पे फ्रंट में अगर आपको दिखो, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे छोटी स्क्रीन है, यहाँ पे दो तीन बटन लगा रखे। ओ बंदूक तो नहीं है, कोई रीलोड करने का कुछ मैकेनिज्म लगा। इसके अंदर गोली डालनी पड़ती है भाई। नीचे की साइड पे पूरा स्कैनर है और राइट साइड में हमारा मेमोरी कार्ड डल रहा है और यहाँ पे चार्ज करने के लिए। ओ ये तो चल नहीं रहा, ये हमारे दिल की बीमारी चेक करना है, इसमें खुद के अंदर बीमारी। ये स्कैनर एक्चुअली बीमार नहीं था, हमारी बैटरी थोड़ी बीमार थी। ये बेसिकली एक स्कैनर है, इससे आप कोई भी पेपर या फ्लैट ऑब्जेक्ट स्कैन कर सकते हो। यूजुअली जब हम स्कैनर की बात करते हैं ऐसे भारी भरकम इतने बड़े बड़े स्कैनर होते हैं, बट ये वाला लिटरल भाई जेब में डाल के आप घूम सकते हो, इसे पता भी नहीं चलेगा। वाओ, यहाँ पे निकाला विंगार्डियम लवयोसा, सब कुछ स्कैन। इसको बटन दबाएंगे हर लाइट जलेगी। अब इसको करेंगे नीचे, एक बार रुक जाओ चेक करते हैं। हो गया कनेक्ट, हो गया, वो कर लिया स्कैन। ओ भाई ये तो तगड़ा करा यार, वो डिटेल कितनी तगड़ी स्कैन करी है, मेरे को लगा था ब्लैक एंड व्हाइट में कर रहा, पूरा कलर में। और चीजें भी स्कैन करनी पड़ेगी इसका मतलब। ओ यार एरर आ गया, फिर इसके दिल में दिक्कत है, बड़े तकिए को स्कैन करी, ये कांच के आर पार अगर कर दिया ना स्कैन भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें चलती रहेंगी बट मकसद से दूर नहीं होना चाहिए, मकसद को भी स्कैन करते हैं। मकसद स्कैन कंप्लीट, तो अपना भी स्कैन, मेरे फैमिली पैक्स भी स्कैन हो जाएंगे। बस बस भैया और नीचे नहीं, ज्यादा स्कैनिंग नहीं करनी यार, आज भाई ने पहन रखी है। अब आ गया भाई द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, और पूछते हैं कैसी स्कैनिंग हुई। देखो टेक्सचर नाम चाहे नकली हो बट भाई काम सही करता। गेस करने की कोशिश करो ये क्या है। ये यहाँ पे पोट्रॉनिक्स लिखा हुआ नीचे की साइड पे और यहाँ पे साइड पे आपको दिखाई कुछ ऐसे बटन वटन। ये है एक फोल्डिंग कीबोर्ड, हम सब के दोस्तों कीबोर्ड सेम सफाट सीधे सीधे, बट ये उस चीज को बदलने के लिए आई। सबसे पहले भाई हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे। ओ कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। ओ ओ ये यस, कभी समझ लो आप बड़े किसी रिश्तेदार के घर गए, नमस्ते करते करते टाइपिंग कर रहे हैं, वो भी हो जाएगी, और पॉकेट से टाइप कर रहे हैं कर जाओ भाई। वैसे अभी डांडे का मौसम तो ये वाला काफी डिफरेंट कैमरा, वैसे दिखने में काफी मतलब से प्यारा सा लग रहा है, हमारा कलर भी मैच कर रहा है। चाहे छेद छोटा हो, चाहे छेद फ्रंट में इसमें चाहे छोटा छेद है, बट एक्चुअल अंदर का सेंसर जो है उसकी चेकिंग भी कर लीजिए, मस्त वाइड एंगल में फिर आ रही। हाय मानस भाई, हाय कर दो, हाय। ओ यस, ये वाला ऑन बटन ही लग रहा है भाई। ओ तीन लाइट जली, इसी से क्लिक होगी यार ये ऊपर, रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, रंगीन ही ऑलवेज, हमेशा जीवन रंगीन रहता हूँ। आज भाई खींच ही लेते हैं एक फोटो, मानस भाई तुम्हारी खींच लेता हूँ, कुछ होना चाहिए इसमें। ओ आवाज आ रही है, हाय निकल रहा है।
मानस भाई मस्त फोटो खींचती भाई, पासपोर्ट साइज फोटो घर पे, नया बिजनेस शुरू कर रहे बर्नर फोटोग्राफ। आइए दो मिनट में फोटो खिंचवाके जाइए, जैसा इसमें अभी आपको दिख रहा है ऐसे ही मेरे को दिख रहा है। तुमको खिंचवानी पासपोर्ट साइज फोटो? दिस इज नॉट जस्ट कैमरा माई फ्रेंड, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज बिजनेस। आज बिजनेस कर लेते हैं, कैसी खींचेगी ये तो हमको नहीं पता, बट होप है। वैसे इसके आगे ना धुंध जम गई, थोड़ा सा डर लग रहा है। वेंकटेश भाई तुमको फोटो दिखाता हूँ तुम्हारी। वेंकटेश भाई आर यू रेडी? ओ भाई क्या ये देखो, ये असली फोटो भाई, यही था वो बंदा जो साइकिल चुरा के भागा था। पप्पू की साइकिल क्यों दौड़ाई तुमने? हमारे पास बस एक फोटो बची है जिसपे हम प्रिंट कर सकते हैं। ओ भाई ट्रेन वाली आवाज देता पूरी। ओ क्या है ये, क्यों है ये? मोबाइल से ना खींच लूंगा फोटो, अगर कोई लेने जा रहा है इससे बढ़िया कलर प्रिंटर ले लो यार, इसको जादू की जरूरत है भाई। विंगार्डियम ठीक हो जाओ सा, अब बस इसको दुआ ही बचा सकते। अगर आपको भी दुआ करना है नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, आपकी एक दुआ इसकी लाइफ बदल सकती है। हमें काफी इंटेंस गैजेट्स को यूज करा, बट अब टाइम आ गया थोड़ा रिलैक्सेशन। आपको शायद ना पता चले बट ये एक्चुअली कान खुजाने के लिए होता है। जैसे बिल्ली आती है वो पंजा मारती है आपका कान की खुजली, सेम टू सेम ये बेसिकली पंख है, और इनको अगर आप अलग करोगे तो आपको रियलाइज होगा ये थोड़ा बिल्ली बिल्ली जैसा दिखेगा। और अगर हम इस बटन को दबाएं, ओ हवा आ रही है फ्रंट से, अगर आप देखो तो एक्चुअल बिल्ली दिखेगी भाई। सर के बाल कटेंगे और खुजली तो हो रही है भाई, खुजली तो। बड़े इस बिल्ली की एक खासियत नहीं है भाई, ये पंजा भी मारती है और स्मोकिंग भी करती है भाई बिल्ली। चलिए मिस्ट है भाई, यही तो है जीवन के मजे। ओहो भाई तगड़ा लग रहा है, तुमको ट्राई करना, मानस ट्राई करना। सही लग रहा है, सही लग रहा है, गर्मी में ठंडी का मजा भाई। रुक रुक एक मस्त चीज कर दूंगा। ओ ये दोस्तों आपको तो पता ही था कि मेरा दिल कितना बड़ा, मेरा दिल दोस्तों आपके लिए धड़क रहा है बहुत तेजी से। एक्चुअली काफी छोटी चीज है बट अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो एक्चुअली भाई हवा हवा खानी होगी, डेफिनेटली काम आएगा। यही तो असली गैजेट था, बाकी सब नकली है यार। ओहो धुंध के साथ हवा जो आ रही है, बिल्ली मौसी इज द बेस्ट। ये नेक्स्ट वाला एक आपने काफी सारे देखे होंगे कार में ऐसे वाले चार्जर लगते हैं, बट ये वाला उसका भी नेक्स्ट लेवल भाई, ब्लूटूथ एनेबल्ड स्मार्ट कार अडेप्टर। वाओ अब इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल की वॉल्यूम लिटरली एडजस्ट कर सकते हो, बटन भी है, दो यूएसबी के पोर्ट हैं, गाने भी कर सकते हो और साइड में अप डाउन वाला स्विच है। अगर आपकी कार स्मार्ट नहीं है तो आप लिटरली इसको लगा के स्मार्ट बना सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग गैजेट और काम भी करता है। दोस्तों बचपन में हम सब घर घर खेलते, बट दिस इज टेकिंग घर घर टू द नेक्स्ट लेवल। जो आपकी नॉर्मल गैस की लाइन आ रही है वही लगाओ इसके अंदर, पकाओ भाई सैंडविच बर्गर पिज्जा पैटी सब कुछ। दिस इज नॉट जस्ट चूल्हा, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज बिजनेस। मत लेना जो घर में चल रहा है बढ़िया है, खाने को मिल रहा है, पिकनिक के लिए ठीक है, एक ऐसी पिकनिक के लिए जहाँ पे एलपीजी की पाइपलाइन आती हो। नेक्स्ट वाला डेफिनेटली काफी एक इंटरेस्टिंग गैजेट है, जैसे कि दिख रहा है ये कैमरा लगा हुआ है स्मार्टफोन के ऊपर। आप लोग सोचो स्मार्टफोन के अंदर भी कैमरा, इसके ऊपर एक और कैमरा क्यों लगा है? हमारा एक्चुअल गैजेट इसके अंदर बंद है, ये है वो कैमरा। बट एक्चुअल ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, एक काफी बड़ा सा मॉडल है, पूरा ही एक मेटल फ्रेम है, बट यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे देखो ये एक्चुअल टेम्परेचर बता रहा है जो स्क्रीन पे एलिमेंट्स का है, तो मेरे हाथ का टेम्परेचर बता रहा है। अरे काफी मस्त चीज करूं मैं, ये वाला एक्चुअली गर्म कप है, नीचे की तरफ कॉफी पड़ी हुई है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ठंडा है। ये एक्चुअली ये जो रेड डॉट है ना इसका टेम्परेचर नाप रहा है, इस पे 40 डिग्री दिखा रहा है। ओ प्रणय भाई क्या स्मार्ट लग रहा है, बाइसेप्स भारी दिख रहे हैं। ओ यार बाइसेप्स है भाई असली गर्मी। ओ वाइट हो गया भाई, एक सेकंड पहले वाइट हो गया, वाइट मतलब एक्चुअल काफी गर्म हो गया, अब असली ठंडक देखी जाएगी। ओ हाँ ये देखो मैंने अभी बर्फ निकाली थी तो मेरी उंगली पिंक हो गई थोड़ी सी, ये जो एक्चुअल नीचे पड़ी है ना ये बर्फ है, और अब इस बर्फ को भाई अगर मैं छूंगा मेरा हाथ एकदम गर्म है, उंगलियां ब्लू हो रही है भाई, मेरे ऐसा लग रहा हाथ में छेद हो गया, एक बर्फ मुंह में डालूंगा भाई। अब टाइम आ गया, यही थे मसालेदार गैजेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी गैजेट वाली वीडियो और ज्यादा बने तो भाई लाइक्स, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।